आज का शुभ संदेश ज्ञाता दृष्टा पुरुषार्थ धर्म। देखिए पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं, रिलेटिव पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ हमारे अगले जन्म में साथ जाता है, रिलेटिव पुरुषार्थ यहीं रह जाता है। बेसिक डिफरेंस ये है, दोनों ही पुरुषार्थ है और दोनों हम ही करने वाले हैं। और जो रियल पुरुषार्थ है उसकी जानकारी उसी को ही होती है जिसको कि ज्ञान मिला होता है। और साधारण व्यक्ति जो जीवात्मा होता है, जो स्वार्थ की चेतना से जुड़ा होता है, जो मैं मेरा से जुड़ा हुआ होता है, उसको जो है वह आत्मधर्म कहिए या रियल पुरुषार्थ कहिए नहीं मिलता है। रियल पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? ज्ञाता दृष्टा बनना। ये जितना भी रिलेटिव पुरुषार्थ है जो कि चल रहा है, और आप भ्रांति में भी हो, आप मानते हो कि मैंने किया, मेरा घर, यानी मैं मेरा से जुड़े हुए रहने से आप कर्ता बन गए, जबकि आपको इस कुदरत ने कर्ता बनाया नहीं है, कर्ता बनने की कोई पावर नहीं दी है, कर्ता बनने की कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, फिर भी आप अपनी तरफ से अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके कुबुद्धि से कर्ता बन गए, तो आप भुगतो, उससे आपका कर्म का बंधन होता है। और आप उसकी परिणति क्या हो गई कि आप आवागमन के चक्कर में हमेशा भटकते रहोगे। लेकिन मानव जीवन पाया है तो मानव जीवन में रियलिटी सनातन सत्य को तो प्राप्त करो। सनातन सत्य है ज्ञाता दृष्टा बनना। सनातन सत्य है कि रियल पुरुषार्थ को जानना। रियल पुरुषार्थ का अर्थ है ये अलग है, मैं अलग हूँ, भेद विज्ञान करना, ये भी रहेगा मैं भी रहूंगा, ये मेरा पड़ोसी है, हम दोनों साथ रह रहे हैं और साथ रहना पड़ेगा आपको, ये आपकी मजबूरी। आपको हो कि हम पति पत्नी हैं तो पति पत्नी दो, आपने आपस में साथ फेरे लिए, सात जन्मों में साथ रहने की शपथ खाई, आप साथ ही रहोगे, पति पत्नी तो हो गया और फिर कि हम साथ नहीं रहेंगे, तो साथ रहना। रियल पुरुषार्थ तो रिलेटिव को जानो,